ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है। इन तस्वीरों में दिख रहा मधुमक्खियों का विशालकाय छत्ता 50 किलो वजनी है और इसमें 60,000 से ज्यादा मधुमक्खियों ने अपना डेरा बना रखा था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, तो जान लीजिए कि ये मधुमक्खियों का छत्ता किसी बाग बगीचे या कहीं जंगल में नहीं लगा मिला, बल्कि एक घर में था। इंसानों से छुपकर इतना बड़ा मधुमक्खियों ने अपना डेरा बना रखा था। जब इस घर में रहने वालों ने ये तस्वीर देखी तो दांतों तले उंगली दबा ली। हालांकि घर की मालकिन को घर में रह रही 60,000 से ज्यादा मधुमक्खियों ने कभी तंग नहीं किया और ना ही उन्हें किसी खतरा का सामना करना पड़ा। लेकिन जब छत्ते का आकार बहुत बड़ा हो गया तो उन्होंने इसे हटवाने का फैसला लिया और पेशेवर तरीके से मधुमक्खियों को पालन करने वाले शख्स की मदद लेनी पड़ी। महिला ने तुरंत ही ऑस्ट्रेलियाई मधुमक्खी पालक पॉल वुड को अपने घर बुलाया और इस छत्ते को निकालने का काम शुरू हुआ। घंटों मशक्कत के बाद पॉल वुड ने पहले तो घर में रह रही 60,000 मधुमक्खियों के छत्ते को सुरक्षित रूप से अलग हटाया और उसे अपने फार्म हाउस ले गए। मधुमक्खियों को हटाने के बाद बचे 50 किलो वजनी छत्ते से मधु निकालने का काम शुरू हुआ और मधु को जार में जमा किया गया। सारी प्रक्रिया का वीडियो वायरल होने पर लोगों को इस अनूठी घटना का पता चला और मधुमक्खियों के खजाने के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया।